हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूर्व विश्वा। दोस्तों, फंडामेंटल एंड मल्टी बैगर स्टॉक के इस सीरीज में जिस स्टॉक पर मैं बात करने वाला हूं वो बिलोंग करता है फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री से। तो दोस्तों, ये स्टॉक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और ये वीडियो भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप चलते हैं इनके मेन वेबसाइट पे और वहां पे रीड करते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और ये किस फील्ड में काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इनके मेन वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि इनका इनका जो प्रोडक्ट है वो क्रॉप न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखिए इंसेक्टीसाइड, पेस्टिसाइड, फंगी और हर्बिसाइड जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। और दोस्तों, जो इनके मेजर प्रोडक्ट हैं वो आपके सामने यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड सारे दिए हुए हैं और ये सारे प्रोडक्ट जो है ये सेल करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया एक कृषि प्रधान कंट्री है और यहाँ पे जो है 75 से 70% तक लोग खेती करते हैं और कहीं ना कहीं इनको केमिकल्स की और फर्टिलाइजर्स की और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर्स की काफी डिमांड है इन द मार्केट और इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इनके प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है। तो चलिए इनके फाइनेंशियल्स को पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल के आर्टिकल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका रेवेन्यू है वो देखिए काफी शानदार रहा है। 2017 में बात करें तो ये कहाँ 7,553 रुपए था और आज बात करें 2021 की ये हो चुका है 12,719 करोड़ के आसपास। तो देखिए कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड मूव दिया है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों, एकदम जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है उसी के प्रोपोर्शनेट जो है आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2017 में देखिए 377 के आसपास था, वहीं 2021 में 1658 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कंटिन्यूस जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका मतलब जो कंपनी जो काफी एक्टिव है और काफी अच्छे से जो है कंपनी के पोटेंशियल को यूज कर पा रही है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी आरओआई की, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कि मतलब ये जो शेयर्स की जो शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं, जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, उसको किस तरह से यूज कर पा रहे हैं, क्या उनको जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, उसे देखने के लिए आप आरओई को देखिए। आरओई हम चलिए देख लेते हैं। आरओई पे दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि 2017 में बात करें तो इनका आरओई था 17, 18 में था 19 और अगर 2020 की बात करें तो 34 था। हल्का सा मार्जिनल जो है 2 पॉइंट के आसपास घटा है और इस समय जो है 31.5 के आसपास है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आरओआई भी कंटिन्यूस यहाँ से 17 से लेकर 2020 तक बढ़ा है। हल्का सा यहाँ मार्जिन थोड़ा कमी आई है लेकिन इतना कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि आइडियली जो किसी भी कंपनी की आरओई होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन बिटवीन 15 से 20% या उसके अबव। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार 2017 से लेके 2021 तक इनका जो है आरओई जो है मेंटेन रहा है 17 के एवा भी देखिए। और यहाँ पे आखिरी में बात करूँ 2021 में तो 31.52 के आसपास है। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मेरा जो मैं जो कंपनी के एनालिसिस में देखता हूँ वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो हमारे व्यूवर्स इनको पता, इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितना डेट है एज कम्पेयर टू द एसेट्स। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 होती है तो उस कंपनी को हम अच्छा मानते हैं और वहां पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो में। यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूस इनका काफी, मतलब अगर बात करें 2017 में तो काफी ज्यादा डेट था इनके ऊपर। देखिए आसपास अराउंड जो इनके पास जो इक्विटी होल्डिंग थी उसके कंपेयर में देखिए 2.17 गुना इनके पास जो है डेट था और कंटिन्यूस ये बढ़ता ही गया। अगर बात करें 2019 में तो वो 3 के आसपास पहुंच गया था लेकिन अगर मैं बात करूँ 2019 से लेकर 2021 तक कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। 2021 में तो काफी बेहतरीन गिरावट हुई है यहाँ पे और यहाँ पे जो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हमारे जो पैरामीटर है जो हम मैं बात करता हूँ कि 0.5 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए उसके बीच में आ चुका है, 0.6 के बीच में आ चुका है। तो दोस्तों, ये हमें मैंने बात कर ली कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, कंपनी के आरओई के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। दोस्तों, मैंने जितना यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो वो तो काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। अगर मैं इस समय बात करूँ कंपनी को रेटिंग देने की, आउट ऑफ 10 9 दूंगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनकी प्रमोटर्स पर कितने शेयर होल्डिंग्स और कितने शेयर इनके प्लेज हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ शेयर होल्डिंग के ग्राफ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 60% के आसपास है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो वो 16% के आसपास है और DII मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है वो है 15% के आसपास और FII की होल्डिंग्स है 7% के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कंटिन्यूस आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो मेंटेन है लेकिन जो मुझे एक चीज यहाँ इस कंपनी में खराब लगी कि इनकी कुछ जो होल्डिंग्स है वो प्लेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25% ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे प्लेज है और वो कंटिन्यू 2005-2020 से लेके
मार्च 2021 तक ये कार्टर उसी मेंटेन है। हालांकि थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, यहाँ पे 25% के आसपास था और 2021 मार्च की बात करें तो 20% के आसपास है। कहीं ना कहीं इसमें भी ये अपने जो प्लेज शेयर्स हैं उसको जो है बाहर निकाल रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा दोस्तों कि प्लेज जो शेयर्स हैं इनके वो बढ़ेंगे या घटेंगे। और दोस्तों जिन व्यूवर्स को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि ये जो प्लेज जो शेयर्स हैं ये कभी कभार ऐसा होता है कंपनी की बैलेंस शीट को देखिए आपको पता चलेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब अगर कंपनी अपने शेयर को प्लेज करती है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि कंपनी को जो है एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है क्योंकि उससे जितनी कैपेसिटी है उसके एक्सपेंशन की उससे ज्यादा कैपेसिटी से वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज भी है और निगेटिव न्यूज भी है, आप दोनों ही मान सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके शेयर्स जो प्लेज हो रहे हैं और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है इसका मतलब उस पैसे का जो प्लेज करने के बाद शेयर्स के आए हैं मतलब उसका जो उस पैसे का जो है अच्छा यूज कर पा रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं बात करूँ कंपनी के रेटिंग के बारे में तो मैं अब यहाँ पे रेटिंग जो है थोड़ा सा घटा दूंगा, आउट ऑफ 10 मैं इनको 8 दूंगा। और दोस्तों इनकी जो फाइनेंशियल है वो काफी बेहतरीन है नो डाउट और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये कंपनी में इस समय हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी इस समय चीप प्राइस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अगर कोई कंपनी मल्टीपल बनती है तो उसके फाइनेंशियल पहली चीज बहुत अच्छे होने चाहिए और दूसरी चीज उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो जो है उसके अपने जो सेक्टर के पी रेशियो के नीचे होना चाहिए तभी हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इनके पी रेशियो को देख लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 7.69 के आसपास और अगर सेक्टर पी रेशियो की बात करें वो है 22.55 के आसपास। तो अगर इससे कंपेयर करें तो ये कंपनी जो है काफी अंडर वैल्यूड है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करता हूँ कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से कितना इसका स्टॉक का प्राइस होना चाहिए तो अगर मैं करंटली जो प्राइस की बात करूँ तो वो चल रहा है 306 रुपए के आसपास और अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी की जो प्राइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए अराउंड 700 के आसपास, काफी नीचे ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं देख लेते हैं कि इनका जो ग्राफ कैसा चल रहा है और क्या ये 20 मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है या 50 मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है या 100 मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। अगर मुझे इन सब एवरेज के पास ये प्राइस मुझे मिलता है तब मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये मेरा आखिरी क्राइटेरिया है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखिए दोस्तों कभी भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो ये जरूर ध्यान दें कि उसको राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे उसको आप बाय कर सके। ऐसा नहीं कि कंपनी जो है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो आपने बीच में ही बाय कर लिया। दोस्तों ट्रेन में चढ़ना है तो ट्रेन के स्टेशन पर रुकने का वेट करना पड़ेगा, अगर आप बीच में चढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ उनके ग्राफ पे और यहाँ पे आप देख, अगर मैं बात करूँ 2021 मई की तो उस समय जो प्राइस चला था वो 224 रुपए चल रहा था और उसके बाद से दोस्तों देखिए ये लगा बहुत काफी अच्छा अराउंड 50% के आसपास जो अपट्रेंड का मूव दिया है और ये समय पहुंच चुका है 305 रुपए के आसपास। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस समय इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जैसे ही ये प्राइस जो है 20 मूविंग एवरेज के पास आया तुरंत यहाँ से बाउंस बैक किया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किया, देख रहे हैं, और ये फिर से यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास आया और फिर से यहाँ से बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे ये जो प्राइस दिख रहा है ये 20 मूविंग एवरेज के पास ही दिख रहा है और यहाँ पे बोलिंजर बैंड आपको घटता हुआ भी दिख रहा है। तो ये जो प्राइस मुझे मिल रहा है ये 300 रुपए के आसपास है और ये बेस्ट प्राइस मैं बोलूंगा इसको बाय करने के लिए। अगर आपको बाय करना तो ये इसका बेस्ट प्राइस है, आप इसको स्टॉक को जो है जल्दी जल्दी बाय कर और इसके आने वाले समय में इसके टारगेट जो है काफी अच्छे हो सकते हैं अराउंड 500 से लेकर 550 तक हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है फंडामेंटल एनालिसिस की है ग्राफ के थ्रू आपको बताया है आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, नमस्कार।